मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज योर अटेंशन। बीएससी पार्ट वन मैथ्स पेपर फर्स्ट एलजेब्रा में है कोसेट्स ऑफ ए ग्रुप। कोसेट्स ऑफ ए ग्रुप यानी किसी ग्रुप का कोसेट्स एंड लाग्रेंज थ्योरम पार्ट फर्स्ट। लाग्रेंज थ्योरम पार्ट फर्स्ट यानी ये आपका है टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम कोसेट्स के बारे में बात करेंगे, डिफिनीशन ऑफ कोसेट्स। डेफिनेशन ऑफ कोसेट्स में अब जब पहला सीधा सा दिया है कोसेट्स ऑफ ए ग्रुप, तो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑफ ग्रुप जी यानी ग्रुप जी लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड कोई एलिमेंट पकड़ा आपने एच का जी का, अभी आप ए बिलोंग्स टू जी, दस देन द सेट तब देन द सेट देन द सेट A H इक्वल टू कैपिटल एच A H सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इज कॉल्ड। अब देखिए ये कहाँ से, लेफ्ट से एक इधर से ऑपरेट कर रहा हो, लेफ्ट से जो ऑपरेशन जी का होगा ग्रुप का वही सब ग्रुप का होगा, ऑपरेशन पता है आपका। अब जो है जो ऑपरेशन होगा उसी ऑपरेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, यानी अगर एडिशन है तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन है तो इनटू, तो लेफ्ट से चूंकि कर रहा हो इस कॉल्ड लेफ्ट कोसेट्स। लेफ्ट कोसेट्स क्या कहेंगे, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच कहाँ के, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी यानी एच लेफ्ट कोसेट्स किसके हैं, एच के हैं, किसमें हैं, जी में हैं। तो लेफ्ट कोसेट एच इन जी डिटरमिन, अब किससे डिटरमिन किए गए, डिटरमिन बाई ए, किससे, ये चूंकि जो ए है इससे डिटरमिंड हुआ है आपका, कहाँ से डिटरमिंड हुआ है आपका, ए से डिटरमिंड हुआ है, क्योंकि ए लेफ्ट से आप ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप इसी तरह से लिख सकते हैं, अब राइट से अगर इसको हम राइट से करेंगे दैट इज राइट कोसेट्स और एच ए इज इक्वल टू एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड राइट, क्योंकि राइट से ऑपरेट हो रहा है ये एलिमेंट, इसलिए राइट कोसेट्स बोलेंगे, राइट कोसेट्स हो गया ये राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट। अब यहाँ पे कोसेट्स न कह के सिर्फ कोसेट कह सकते हैं, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। तो ये लेफ्ट कोसेट, ये है राइट कोसेट और ये है आपका लेफ्ट कोसेट। इस तरह से आपके लेफ्ट और राइट कोसेट्स बनेंगे। अब जो ऑपरेशन बता दिया, जो ऑपरेशन यूज किया जाएगा वो अगर जो ग्रुप का या सब ग्रुप का जो ऑपरेशन होगा वही इनमें यूज किया जाएगा। तो आइएगा अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं।
एग्जाम्पल लेट एच बी एच इक्वल टू लेट एच इक्वल टू जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस एट एट्सेट्रा इज आल्सो इक्वल टू टू जेड. ये जेड लेट यच जो है इज ए सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जेड. ग्रुप जेड इज इक्वल टू अब जेड क्या है ग्रुप जेड इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट डॉट. इस तरह से ये आपका जेड है. ये जेड आपको पता है एडिशन ऑपरेशन इसमें यूज होता है इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन. कौन सा ऑपरेशन यूज किया जा रहा है एडिशन ऑपरेशन यूज किया जा रहा है जो है. तो इस तरह से है फाइंड ऑल. अब क्वेश्चन क्या है फाइंड ऑल फाइंड ऑल कोसेट्स फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी. इसके एच के सारे कोसेट्स फाइंड आउट करना है इसके जी के एच के जो है इन जी एच जी में. तो सॉल्यूशन कैसे देखते हैं अब जे वी हैव जेड इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एट्सेट्रा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एट्सेट्रा. ये इस तरह से जेड दिया है और ये आपके पास एच इक्वल टू टू जेड इज इक्वल टू दिया है जीरो टू फोर सिक्स एट टेन एट्सेट्रा एंड माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट माइनस टेन एट्सेट्रा. इस तरह से ये टू जेड सब ग्रुप दिया है आपके पास. अब देखिए हम यहाँ पे एक एलिमेंट पकड़ते हैं माय डियर. क्या पकड़ते हैं जीरो यानी एक एलिमेंट हमने जेड का जिसका जेड का जी का यानी जीरो बिलोंग्स टू जी. हमने एक एलिमेंट यानी ए इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू जी हमने लिया. अब हम ए प्लस एच यानी लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स निकालें या लेफ्ट कोसेट निकालें तो एच प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस जीरो एच प्लस जीरो. तो एच प्लस जीरो निकालोगे तो क्या मिलेगा माय डियर इसमें सारे एलिमेंट में आप जीरो जोड़ देंगे तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा वही एलिमेंट मिल जाएंगे आपके. इस तरह से ये आपको मिल जाएंगे. अब देखिए अब आप जो है वन
ए इक्वल टू क्या ले लें, दूसरा इक्वल क्या लिया, ए इक्वल टू वन बिलोंग्स टू जी। अब हम यहाँ पे वन ले लेते हैं माय डियर, जेड का कौन सा एलिमेंट लिया हमने, वन लिया। अब एच प्लस वन निकालें, एच प्लस वन, तो देखिएगा आपने एक आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें ऐड किया, कौन सा, जो चूँकि जीरो आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी आपने ऐड किया तो आपको सीधे सीधे कौन सा एलिमेंट मिल गया, एच ही मिल गया। देखिए ये पूरा का पूरा एच ही मिल गया आपको, तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आप लेंगे तो वो पूरा का पूरा एच ही मिल जाएगा आपको। अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं एच प्लस वन, एच प्लस ए इक्वल टू एच प्लस वन इज इक्वल टू क्या लेंगे माई डियर इसमें, अब इसमें हम वन ऐड कर दें सब में, क्योंकि एडिशन हमारा क्या है, ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशन है, तो ऐड करेंगे सब में, तो ये वन हो जाएगा जीरो की जगह, ये थ्री हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा, ये नाइन हो जाएगा, ये इलेवन हो जाएगा, यानी टू के अंतराल में इलेवन, तो इसका मतलब ये थर्टीन मिलेगा, इसका मतलब ये फिफ्टीन मिलेगा नेक्स्ट आपका, तो इस तरह से मिलते जाएंगे, और इधर आएंगे तो माइनस वन मिल जाएगा, इधर माइनस टू मिल जाएगा, चूँकि प्लस वन सब में कर देंगे, माइनस थ्री मिल जाएगा, माइनस सेवन मिल जाएगा, माइनस एट मिल जाएगा, ए माइनस नाइन मिल जाएगा, और माइनस सेवन मिल जाएगा, माइनस नाइन मिल जाएगा, डॉट डॉट एट्सेट्रा, इस तरह से मिलते जाएंगे आपके पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा एच प्लस वन बन जाएगा। अब हम फिर नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, हम लेंगे एच प्लस टू लेंगे, ए बिलोंग्स टू यानी टू, टू बिलोंग्स टू जेड, ए इक्वल टू टू बिलोंग्स टू जेड, और एच प्लस ए इक्वल टू एच प्लस टू ले लेंगे। तो एच प्लस जब टू लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, एच में से एच हमारे पास ये दिया है, यहाँ पे हम टू को ऐड कर देंगे सब में, तो जीरो में टू को ऐड करोगे टू मिल जाएगा, फिर फोर में सिक्स मिल जाएगा, फिर एट, फिर टेन, फिर ट्वेल्व, इस तरह से मिलते जाएंगे, और इधर आप इसमें से माइनस प्लस टू ऐड कर देंगे तो ये फिर से जीरो मिल जाएगा हमको, इसमें ऐड करेंगे फिर माइनस टू मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, फिर माइनस फोर मिल जाएगा, फिर माइनस सिक्स मिल जाएगा, फिर माइनस एट मिल जाएगा, इस तरह से आप चलते जाइएगा, ये मिल जाएगा आपको सेट। तो देखिए यश प्लस टू, यश प्लस टू क्या मिल रहा है आपका, ये यश प्लस टू मिला आपका, फिर आप ए इक्वल टू थ्री ले लेते हैं, थ्री बिलोंग्स टू जेड, और यश प्लस थ्री लेते हैं, इसका मतलब आप थ्री ऐड कर दीजिए इसमें, तो थ्री ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको जीरो, थ्री, जीरो में थ्री ऐड किया, फिर फाइव, फिर फाइव, थ्री ऐड किया फाइव, थ्री ऐड किया फाइव, फिर सेवन, फिर नाइन, थ्री फाइव, यानी ये तो थ्री मिला, जीरो में ऐड किया थ्री मिला, फिर इसमें ऐड किया तो फाइव मिला, इसमें ऐड करेंगे सेवन मिलेगा सेवन, फिर ये नाइन मिलेगा, फिर इलेवन मिलेगा, फिर ट्वेल्व मिलेगा, इलेवन के बाद थर्टीन मिलेगा, डॉट डॉट एट्सेट्रा मिल जाएगा। फिर अब आप इधर टू माइनस करिएगा इसमें, तो माइनस थ्री करेंगे तो वन मिल जाएगा, क्योंकि माइनस थ्री प्लस थ्री यानी माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू वन मिल जाएगा, क्योंकि आप इसमें प्लस थ्री कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं प्लस थ्री, तो इस माइनस टू में तो ये माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन मिल जाएगा, फिर ये प्लस टू मिल जाएगा माय डियर, प्लस वन, फिर आप इसमें से जब करेंगे
जो है माइनस, ये माइनस थ्री फोर में से, माइनस फोर में से किसमें, माइनस फोर में से प्लस थ्री करेंगे तो माइनस वन मिल जाएगा, तो आपका ये माइनस वन मिल गया माय डियर। फिर माइनस फोर तो माइनस सिक्स में से किसमें, माइनस सिक्स में से तो माइनस थ्री, माइनस थ्री भाई आप इसमें से जेड में से प्लस थ्री किया तो आपका ये थ्री मिला, ठीक, ये फाइव, ये सेवन, ठीक है। फिर इधर थ्री वन, फिर इधर थ्री माइनस वन, फिर माइनस थ्री ए प्लस थ्री माइनस थ्री, फिर माइनस थ्री माइनस फाइव, फिर माइनस थ्री माइनस सेवन, इस तरह से ये मिलते जाएंगे आपके। तो आप कुछ कंक्लूड निकाल रहे होंगे, देखिएगा एच एंड वन आर टू डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, केवल आपके पास ये देखिए ये कोसेट्स को आप ध्यान दीजिए, एच प्लस टू, एच प्लस टू यानी एच प्लस टू, एच प्लस टू, एच प्लस टू इज इक्वल टू एच प्लस थ्री, ये एच प्लस टू देखिए और ये एच प्लस थ्री देखिए इज इक्वल टू एच प्लस फोर इज इक्वल टू एच प्लस फाइव, ये सारे के सारे एक ही सेम मिल जाएंगे। और ये किसके इक्वल मिल जाएंगे, ये सभी जो है एच प्लस टू के इक्वल मिल जाएंगे, यानी एच प्लस टू, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री, एच प्लस फोर, तो इस तरह से आपके पास ये जो है सेम मिल जाएंगे। और ये जो है आपके पास देखिएगा, ये आपके पास जो मिला है वो एच प्लस जीरो इक्वल टू एच मिला है आपके पास, और एच प्लस टू, एच प्लस टू को अगर नज़र डालें आप, एच प्लस टू देखिए सेम एच के बराबर है आपका, देखिए माय डियर टू जीरो टू फोर सिक्स एट टेन, इसी प्रकार माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट, अभी और माइनस टेन भी लिख दीजिएगा, नो एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपके पास माइनस एट माइनस टेन। तो इस तरह से ये एच प्लस टू इक्वल टू एच ही मिल जाएगा। तो एच प्लस टू आपको ये देखिए एच मिला आपके पास, ठीक, एच प्लस टू, एच प्लस टू इज इक्वल टू, तो ये एच ही मिला आपको आपके पास माय डियर। फिर एच प्लस टू और ये जितने आपके पास एच प्लस टू, एच प्लस फोर, एच प्लस टू, एच प्लस फोर, ये आपका इक्वल होगा। एंड ये देखिएगा ये आपके पास एच प्लस फाइव, एच प्लस फाइव प्लस एच प्लस थ्री, एच प्लस थ्री, एच प्लस थ्री इज इक्वल टू एच प्लस फाइव इज इक्वल टू एच प्लस, ये सभी एच प्लस वन के बराबर हो जाएंगे। ये देखिए एच प्लस वन, ये देखिए लास्ट में एच प्लस वन, तो एच प्लस वन जब देखेंगे तो आप देखेंगे वही चीज़ है आपके पास, एच प्लस वन इज इक्वल टू एच प्लस थ्री, ये मिल गया आपका एच प्लस वन इज इक्वल टू एच प्लस थ्री। तो इस तरह से ये आपके पास ऐसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है, तो यहाँ पे केवल कितने मिले हमको, हेंस हियर हियर एच एंड एच प्लस वन आर टू डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट राइट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, इस तरह से हमको ये मिल गया माय डियर को जो है। आइएगा एक और एग्जांपल देखते हैं माय डियर,
let g equal to 1 minus 1 I minus I be a group and h equal to 1 minus 1 is a sub ग्रुप ऑफ जी, ये एच आपने इसका सब ग्रुप लिया। फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, फाइंड ऑल कोसेट्स इन जी जो है। अब आपके पास यहाँ पे आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, जो है सब ग्रुप ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास जी गिवन है, जी इक्वल टू 1 माइनस 1 आई माइनस आई एंड एच इक्वल टू 1 माइनस 1। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1 बिलोंग्स टू जी यानी ए इक्वल टू, तो हम निकालते हैं एच इक्वल टू 1 एच और 1H को जब मल्टीप्लाइड करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सेम मिल जाएगा हमको 1 माइनस 1 इज इक्वल टू H ही मिल गया माय डियर हमको। तो आइडेंटिटी से जब भी ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी का कोसेट्स निकालोगे तो आपको वही मिलेगा माय डियर। अब यहाँ पे हम लेते हैं A इक्वल टू माइनस 1 बिलोंग्स टू G, तो निकालते हैं माइनस वन इंटू H। अब हम इसमें से माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे माय डियर, यानी एच कर दीजिएगा पहले, फिर माइनस वन इंटू एच कर दीजिएगा, डजेंट मैटर हियर। तो ये माइनस वन से तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा। सेट है आपका, इसलिए सेट में इसको ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 1 एंड माइनस वन। दिस इज इक्वल टू आपके पास आल्सो एच मिल गया माय डियर, ये भी एच आपको मिल गया। तो अब आप जो है, चूंकि अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम इसमें जो है अगर एच का ही एलिमेंट लेंगे तो हमें एच ही मिलेगा। तो एच के देखिए दोनों आपने एच के ही एलिमेंट लिए हैं, इसलिए हमको वही सेट मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं ए इक्वल टू आई बिलोंग्स टू जी, तो जब आई इंटू एच इज इक्वल टू आई से मल्टीप्लाइड कराएंगे एच में, तो ये आई मिल जाएगा और ये माइनस आई मिल जाएगा माई डियर। तो एक हमको ये मिला आई और माइनस आई। फिर हम ए इक्वल टू माइनस आई से बिलोंग्स टू जी और इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई इंटू एच इज इक्वल टू, अब आई से मल्टीप्लाइड माइनस आई से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो ये मिलेगा माइनस आई मिल जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आई मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए आपके पास मिल गया, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आई एंड आई। अब देखिए ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम कंडीशंस है, सेम है आपके पास ये और ये दोनों आई एच इक्वल टू एच आई। इसका मतलब केवल यहाँ पे दो ही कोसेट्स मिले, एक आपको एच और दूसरा जो है आई एच कहें या माइनस आई एच कहें, चूँकि सेम है आपका। तो जो है यहाँ पे टू राइट कोसेट्स मिले आपके पास, ये चूँकि आप इसको लेफ्ट से ऑपरेट करा रहे हैं, अगर राइट से ऑपरेट कराते इसी तरह से राइट निकाल सकते हो आप लोग, तो जो है इसमें से आपके पास तो ये आपके पास टू टू डिस्टिंक्ट कैसे मिले आपको, टू डिस्टिंक्ट जो है लेफ्ट कोसेट, चूँकि लेफ्ट से ऑपरेट किया है
लेफ्ट कोसेट्स एच एंड आई एच, एच एंड आई एच, केवल दो ही आपको कोसेट्स मिले आपको जो है एच राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो इस तरह से आपके पास ये राइट कोसेट्स यानी लेफ्ट कोसेट्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये लेफ्ट कोसेट है, इसी तरह से राइट कोसेट्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कोसेट्स डिकम्पोजिशन हुआ, ओवर हुआ। ओके, थैंक यू।